हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ऑल अबाउट फास्ट टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका टैग काम नहीं कर रहा है तो उसको किस तरीके से आपको यूज करना है उस टाइम टूल प्लाजा पे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बताया कि फास्टैग को पूरी तरीके से मैंडेट कर दिया गया है सारे टोल प्लाजा के, और ऐसे में अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो वहां पे आपको देना पड़ता है डबल टोल यानी कि डबल कैश का पेमेंट। ऐसे में काफी ज्यादा नुकसान भी होता है लोगों को, और ऐसे में आपका फास्टैग भी कभी कभी काम नहीं करता, तो ऐसे में और ज्यादा नुकसान हो जाता है कि फास्टैग भी काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे कि फास्टैग वाकई में काम नहीं करता है या कोई इशू आता है टोल प्लाजा पे, आपके एंड से कोई इशू है, अगर ऐसा हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। कैश में पेमेंट वहाँ पे कर दिया है क्योंकि टैग नहीं चलेगा तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, उसका रिफंड कैसे लिए, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जब भी आप किसी टोल प्लाजा पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका टैग वहाँ पे काम नहीं करता है, स्कैनर रीड नहीं कर पाता है टैग को, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे डबल पेनल्टी देना पड़ता है। होता क्या है, जब हम टोल प्लाजा पे जाते हैं तो स्कैनर बार कोड को रीड नहीं कर पाता, या तो कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है आपके बार कोड में, या कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है उस स्कैनर में, तो हमें नहीं पता होता कि ये इशू किसके एंड से है, हमारे एंड से है या फिर टोल प्लाजा के एंड से है। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या वाकई में हमारे एंड से ये दिक्कत चल रही है या फिर टोल प्लाजा के एंड से है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में अगर जब भी आपका स्कैनर टैग को ना रीड करे तो आपको टोल प्लाजा के एजेंट से ये कहना है कि मेरे जो बार कोड है उसको हैंड रीडर से स्कैन किया जाए एक बार, क्योंकि हैंड रीडर से स्कैन करते ही 99% जो टैग्स होते हैं वो चल जाते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे आपको डबल पेनल्टी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्कैन नहीं करवाते हैं हैंड रीडर से तो वहाँ पे आपको डबल पेनल्टी देना पड़ता है, जिसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। इसलिए हमेशा जब भी टैग ना काम करे तो हैंड रीडर से ज़रूर एक बार स्कैन उस चीज़ को करवा लें, और अगर हैंड रीडर से भी स्कैन करने के बाद अगर वो टैग नहीं चल रहा है तो फिर हो सकता है कि आपके फास्टैग में ही कोई डिफेक्ट हो, उसको आपको जाके रिप्लेसमेंट करवाना होगा। ठीक है, तो ये तो रही रिप्लेसमेंट की बात कि अगर टैग काम ना करे प्लाजा के एंड से तो क्या करना है, अगर टैग काम ना करे हमारे एंड से तो क्या करना है। अब बात करते हैं कि आपका टैग काम नहीं किया और आपने वहाँ पे दे दिया कैश का पेमेंट, तो अब क्या करें। इसमें कैश का पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा। कैश का पेमेंट देने के बाद आपको उसका रिफंड अगर चाहिए तो आपको कैश के रिसिप्ट संभाल के रखना है और जाना है कस्टमर केयर पे। कस्टमर केयर पे जाने के बाद आपको अपनी सारी सारी रिसिप्ट वहाँ पे शेयर करना है, अपनी आरसी कॉपी शेयर करना है, और साथ ही साथ आपको अपने बारकोड की इमेज भी शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपको ये बोलना है कि मेरा पेनल्टी लगा है, मेरे को इस चीज़ का रिफंड चाहिए, क्योंकि मेरे टैग में सफिशिएंट बैलेंस था और मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपका टैग काम नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, क्योंकि ये टेक्निकल इशू हो सकता है, अपने एंड से कोई भी गलती नहीं की थी, क्योंकि आपने रिचार्ज भी टाइम किया, सब कुछ सफिशिएंट बैलेंस था बट टैग नहीं काम किया। ऐसे में कंपनी को उस चीज़ का देना पड़ता है रिफंड, तो इसलिए हमेशा स्लिप को संभाल के रखें ताकि पेनल्टी का हम आगे इसको रेस कर पाएं। इसलिए हमेशा जब भी आप कभी टोल प्लाजा में जाते हैं तो उस रिसिप्ट को संभाल के रखें ताकि आप आगे जाके उसको रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगी रिसिप्ट तो उस चीज़ को कोई रेस नहीं कर पाएगा, और वो कस्टमर केयर वाले भी इस चीज़ को मना कर देंगे कि सर हम इस चीज़ का रिफंड आपको नहीं दे सकते। इसलिए हमेशा जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा संभाल के रखें अगर आपका फास्टैग नहीं चलता वहाँ तो। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग को ये भी इशू आता है कि वो टोल रिसिप्ट तो ले लेते हैं बट जब कस्टमर केयर पे जाते हैं तो देखते हैं कि टोल रिसिप्ट के व्हीकल नंबर में कुछ चेंजेस है। फॉर एग्जांपल अगर 2 है लास्ट में तो वहाँ पे लिख दिया टोल प्लाजा वालों ने 4, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट को चेक करना है आपको बिल्कुल ध्यान से कि मेरा व्हीकल नंबर करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसे गलत व्हीकल नंबर से आप करेंगे वहाँ पे जाके कस्टमर केयर पे तो साफ साफ मना कर देंगे कि सर व्हीकल नंबर मिसमैच है, इस चीज़ का हम आपको रिफंड नहीं दे सकते यहाँ पे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करें, समझें कि हाँ भाई टोल रिसिप्ट मेरी ये करेक्ट है, उसके बाद ही वहाँ से निकले। टैग नॉट वर्किंग का बहुत बड़ा ये इशू होता है, हर किसी को इस चीज़ का फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि काम नहीं करता है और ऐसे में हमें डबल पेनल्टी देना पड़ जाता है वहाँ पे। हमेशा याद रखें कि अगर आपका फास्टैग काम नहीं कर रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि उसको हैंड रीडर मशीन से ज़रूर स्कैन कराएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो टोल प्लाजा के एजेंट होते हैं वो भी लापरवाही करते हैं और टोल प्लाजा के जो स्कैनर होता है उसको कभी कभी डिसेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये इशू होता है। स्कैनर में इशू हो सकता है, आपके बारकोड में इशू हो सकता है, बट जो हैंड रीडर मशीन होती है उसमें नहीं हो सकता, वो करेक्ट आपको स्कैन करेगा अगर आपका टैग में सब कुछ सही है तो। इसलिए हमेशा हैंड रीडर से हमेशा स्कैन कराएं अपने टैग को जब भी आप टोल प्लाजा पे जाते हैं, और अगर बारकोड स्कैनर काम नहीं करता है तो। और बाकी फास्टैग को लेकर कोई भी इशू आ रहा है आपको तो बिल्कुल आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। फास्टैग को लेकर किसी भी टाइप का कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम सारी की सारी अपडेट्स डालते रहते हैं फास्टैग को लेकर, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचे।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि समझ पाए लोग कि टैग नॉट वर्किंग में किस तरीके से उनको क्या करना है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। इसलिए मैं यहाँ पे ये अपडेट्स देता हूँ ताकि फास्टैग के बारे में वो जान पाए चीज़ें। हमेशा मैं यही बोलूँगा कि हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप टोल प्लाजा पर जाते हैं तो रिसिप्ट संभाल के रखें, आरसी कॉपी के साथ अपनी अटैच करें, कस्टमर केयर को दें, उसका रिफंड लें, और अगर अपनी तरफ से कोई भी आप उसमें लापरवाही ना करें। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को अगर कुछ भी नहीं समझ आया आपको वीडियो में तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।